तो अब हम आगे चलें, तो अगली कमांड पेपर में बहुत आई है और वो है हमारी कौन सी, स्विच विंडो। तो अगली कमांड पेपर में काफी बार आती है और उसका नाम है स्विच विंडो। तो क्या है, स्विच विंडो, स्विच विंडो। तो पहला जो क्वेश्चन इससे बनता है वो बनता है इसकी शॉर्टकट की। पहला क्वेश्चन क्या बनता है इसकी शॉर्टकट की। तो क्या होती है इसकी शॉर्टकट की, बड़े सिंपल है, अल्ट प्लस टैब। तो क्या होती है, अल्ट प्लस टैब इसकी शॉर्टकट की हो जाती है। दिक्कत है इतने में। अब होता कि उससे होता क्या है, अब देखो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास क्या है कि भाई ये तुम्हारी कंप्यूटर की स्क्रीन है और यहाँ पर तुम्हें क्या खोल रखा है, वर्ड भी खोल रखा है, एक्सेल भी खोल रखा है, पावर पॉइंट भी खोल रखा है, नीचे टास्क बार में सो रहा है। अब तुम यहाँ पर वर्ड खोल रखे हो, क्या खोल रखे हो, वर्ड। लेकिन आप वर्ड से कहाँ जंप करना चाह रहे हैं, एक्सेल पे। एक्सेल से कहाँ जंप करना चाह रहे हैं, पावर पॉइंट पे। यहाँ किसका इस्तेमाल करोगे, अल्ट प्लस टैब या स्विच विंडो। तो क्या करना है, दो अलग अलग प्रोग्राम विंडो, अलग अलग प्रोग्राम विंडो के मध्य या विंडो को स्विच करने के लिए, अलग अलग विंडो के मध्य, अलग अलग विंडो के मध्य हम क्या करना चाहते हैं, स्विचिंग करना चाहते हैं, अदला बदली करना चाहते हैं। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग विंडो के मध्य स्विचिंग करने के लिए या अदला बदली करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे स्विच विंडो का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, क्लियर है। तो अब हम आगे देखते हैं, यही कहानी समझ में आई। अब इसी से जुड़ी हुई एक कमांड और है और वह कंट्रोल प्लस टैब। क्या है, कंट्रोल प्लस टैब। तो पेपर में ये भी आती है, ठीक है, आ रहे वहां पर। पहले हम कंट्रोल प्लस टैब देखेंगे। तो कंट्रोल प्लस टैब का क्या यूज है, तो ये भी स्विचिंग करती है लेकिन एक ही प्रोग्राम के अंदर, फाइलों या टैब के मध्य। तो हम देखेंगे एक ही प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम या विंडो, एक ही प्रोग्राम या विंडो के मध्य किसके बीच में, फाइल की स्विचिंग करनी है या टैब की स्विचिंग करनी है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब। जैसे एमएस वर्ड में तीन फाइल है, ए बी और सी। हम एमएस वर्ड के अंदर फाइल ए से फाइल बी पर, फाइल बी से फाइल सी पर जाना चाहते हैं, तो हम क्या करें, अल्ट प्लस टैब या कंट्रोल टैब, कंट्रोल प्लस टैब। एमएस वर्ड ही चल रहा है, फाइल ए फाइल बी और फाइल सी, तो फाइल ए से फाइल बी, फाइल बी से फाइल सी पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब। या फिर हम क्या कर रहे हैं, हम और आप क्या करते हैं, मोबाइल या फिर लैपटॉप चला रहे हैं, लैपटॉप में हमने क्या खोल रखा है, गूगल क्रोम खोल रखा है, और गूगल क्रोम में पहले खुला हुआ है फेसबुक, एक विंडो में खुला हुआ है इंस्टाग्राम, एक में खुला हुआ है स्नैपचैट, खोल लिया हमने। अब हमें फेसबुक चला रहे हैं, अब फेसबुक से हमें कहाँ आना है, इंस्टाग्राम पे आना है। तो यहाँ प्रोग्राम बदल रहा है, प्रोग्राम की टैब बदल रही है, टैब बदल रही है, किसका इस्तेमाल करोगे, अल्ट प्लस टैब या फिर कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब। तो प्रोग्राम तो वही वाला रहने वाला है, उसी प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आपकी स्विचिंग कर रहे हैं टैब या फाइल के मदद। तो यहाँ किसका इस्तेमाल हो जाएगा, कंट्रोल प्लस टैब। ये काफी बार पेपर में आती है, दिमाग में रखना। अब आता है कि इन दोनों के साथ में, इन दोनों के साथ में हम शिफ्ट का इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा। देखो नॉर्मली ये क्या करते हैं, आप आगे लेके जाते हैं, हमेशा ऐसे मूवमेंट दिखाते हैं आगे का, अगली वाली पर। लेकिन हम बोले अगली पे नहीं, तो ए से बी पहुंच गए, बी से सी पे आ गए, अब सी से बी पे आनी है तो क्या लगा दो, शिफ्ट लगा दो। तो अगर हम बात करें पिछले विंडो पर वापस आना है, अल्ट प्लस टैब, या पिछले टैब पर वापस आना है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब। तो ये शिफ्ट क्या करता है, पिछली की तरफ ले आएगा, पिछली की तरफ, ओके। बात समझ में, तो अलग अलग का ही याद रखें, पर ये याद रखो कि अगर शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे तो शिफ्ट का इस्तेमाल करने पर क्या होगा, आप पीछे लौटोगे ना कि आगे। नॉर्मली याद के लेके जाता है, लेकिन शिफ्ट का इस्तेमाल आपको पीछे की ओर ले जाएगा। तो बात समझ में कि नहीं, तो ये निपट जाता हमारा क्या, विंडो, विंडो ग्रुप। और अब आएगा सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप और वो है हमारा मैक्रो। काफी इंटरेस्टिंग है, पांच पॉइंट पढ़ते हैं इसमें अपन, और पेपर में उन पांचों पॉइंट के बाहर आज तक तो नहीं गया, ठीक है, किसी भी एग्जाम में उन पांचों पॉइंट के बाहर मैक्रो कभी गए ही नहीं है। चलिए